सुप्रिया क्या कर रही हो? सर वो रुको मैं सिखा देता हूँ तुम्हें। सर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कर लूंगी। सुप्रिया शर्मा क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम बहुत थकी थकी लग रही हो। रुको मैं मसाज कर देता हूँ, बहुत रिलैक्स फील हो। ये आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं? मैं यहाँ ऑफिस में काम करने आती हूँ, मसाज लेने नहीं। ये कोई मसाज पार्लर नहीं है। सुप्रिया थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो कोई आ जाएगा ना फिर। जो भी आए आने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आखिर बाकी लोगों को भी तो पता चले कि आप कैसे घटिया इंसान है। घटिया? तुमने मुझे घटिया कहा? तेरी औकात नहीं थी इस ऑफिस में खड़े होने की। मैंने तुझे जॉब दिया और तू मुझे आके दिखा रही है? अभी कभी निकल मेरे ऑफिस से, निकल जा। हाँ तो मुझे भी इस ऑफिस में काम करने का कोई शौक नहीं है जहां पे आप जैसे घटिया इंसान हो। मैं घटिया इंसान हूं? निकल अभी निकल। जा रही हूं, मुझे भी रुकने का कोई शौक नहीं है। पता नहीं किस बात का घमंड है इसे। दिमाग खराब करके रख दिया इस साले बॉस ने। पता नहीं ये लोग लड़कियों को काम देते हैं तो लड़कियों को पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। मैंने गुस्से गुस्से में काम तो छोड़ दिया मगर मुझे इस काम की बहुत जरूरत थी। अब इतनी जल्दी तो कहीं और काम भी नहीं मिलेगा, और अगर काम मिल भी गया तो सैलरी एक मंथ बाद मिलेगी। इतने सारे बिल्स ड्यू हैं, मेरा रेंट भी देना बाकी है। पता नहीं मैं क्या करूंगी। उसे ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, बेइज्जती का बदला लेकर आऊंगा। फिर से क्यों कॉल कर रहा है? हेलो सुप्रिया, वैसे तो मैं एक बार जिसे ऑफिस से निकाल देता हूँ उसे दोबारा देखना पसंद नहीं करता, लेकिन तुम इस काम को बीच में छोड़कर ऐसे ही नहीं जा सकती हो। लेकिन मेरे फ्लैट पर आओ और पहले वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, समझी? सर मेरे साथ संजय और अनु भी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो मैं ऑफिस आकर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देती हूँ। आपके फ्लैट से पूछा नहीं है? हाँ तुम्हें ऑर्डर दिया है, तो चुपचाप मेरे फ्लैट पर आओ और प्रोजेक्ट कंप्लीट करो अकेली, समझी? ये एटीट्यूड किसी और को देना। मुझे गुस्सा आया तो कहीं काम करने के लायक नहीं रहो। 15 मिनट में फ्लैट तक पहुंचो, तो ऑफिस में और भी लड़कियां हैं जिन्हें प्रमोशन चाहिए। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके फ्लैट। गुड। फिर बताता हूँ। हाँ बैठो। सर प्रोजेक्ट डिस्कस कर ले। हाँ प्रोजेक्ट भी डिस्कस कर लेंगे, पहले थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें कर लो मुझसे। मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो तुम नाराज हो गई थी मुझसे? सर ये सब आप क्या कर रहे हैं? देखिए मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप प्लीज मेरे साथ बदतमीजी मत कीजिए। सती सावित्री बनने का नाटक कहीं और करना, समझी? चुपचाप मेरी बात मान ले वरना मुझे जबरदस्ती करने भी आती है। छोड़ दीजिए सर, सर छोड़िए। पुलिस? पुलिस को किसने बुलाया यहाँ पे? मैंने बुलाया इन्हें। हेलो सर, मैंने आपको एड्रेस भेज दिया है, आप प्लीज उस जगह पे जल्द से जल्द आ जाइए, प्लीज सर। ओके सुप्रिया, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम जरूर पछताओगी। तुम्हें शर्म नहीं आती खुद को बॉस कहते हुए? लड़कियों को काम क्या देते हो? तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें खरीद लिए हो? तुमने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था, अब जाओ सड़ना जेल में। अबे ओए, तू ऑफिस में काम ऐसे करता है फीमेल एम्प्लॉयज को मॉलिश करके? अब तू चल थाने, मैं तुझे बताऊंगा मॉलिश कैसे करते हैं, चल। सर मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है,
इसने मेरी झूठी कंप्लेन की है, ये मुझसे पैसे मांग रही थी और मैंने इसे पैसे देने से मना कर दिया, तो कहने लगी मैं तुझे जेल में सड़वाऊंगी। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी कॉल की रिकॉर्डिंग आपको भेजी तो थी, आपको तो पता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। मैडम मैं सब जानता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे अच्छे से पता है इसके साथ क्या करना है। चल सर, सर मेरी बात सुनिए। चल लड़कियां ना घर पर सेफ है, ना ऑफिस में, ना पब्लिक प्लेसेस में। वो कल भी सेफ नहीं थी और आज भी नहीं है। पता नहीं कब वो समय आएगा जब लड़कियां बिना डरे घर से बाहर कदम रख सकेगी।